नमस्कार, मैं शिवानी पांडे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना, कक्षा 12वीं की छात्रा। परियोजना काल सत्र 2022-23 के अंतर्गत अपना विषय भक्तिन पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इस प्रकार है। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। तो पाठ की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जेठानियां आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही नन्ही बेटियां को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों को अलगौजा कर अपना अलग घर पसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल कर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगी। ऐसी परिस्थितियों में भी भक्तिन ने अपने केस मुंडा लिए और संन्यासिन बन गई। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती थी। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को बुला लिया और दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा न छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। भक्तिन की जेठ जेठौत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरवास साले से कर दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान ना चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को 2 दिन धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। भक्तिन ने मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। वह रात रात भर जाकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से, कहानियां, किंवदंतियां कंठस्थ करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई 105 रुपयों की राशि को सहर्ष महादेवी को समर्पित कर देती है। जेल के नाम से थरथर कांपने वाली भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाड से साहब तक से लड़ने को भी तैयार हो जाती है। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती थी। धन्यवाद। मेरी आशा है कि यह व्याख्या आपको प्रेरित करी होगी।